Dear viewers Jai Mata Today I am taking you to the Jwalamukhi temple located in Jwalamukhi town Kangra district of Himachal Pradesh It is one of the most ancient temples in the Indian subcontinent The temple is about 1000 years old Primarily constructed by Raja Bhumichandra देन राजा उदित नारायण सिंह राजा रणजीत सिंह राजा संसार चंद कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क पुराणों में महाभारत और राजतरंगिणी में कांगड़ा की चर्चा की गई है इस मंदिर के संबंध में 1802 विक्रमी संवत की कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं सती दाह के प्रसंग में जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया तो यहाँ माँ की जीवा गिरी और यह शक्तिशाली शक्तिपीठ बना द टेम्पल इज़ बिल्ट ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म इन द इंडो सिख स्टाइल ऑफ़ आर्किटेक्चर इट हैज़ ए स्मॉल डोम ऑन द टॉप द डोम इज ऑफ गिल्ट गोल्ड एंड पिनेकल्स And has a beautiful folding door of silver plates presented by the Sikh Raja Khadak Singh. There are no idols, but nine flames coming from the womb of Mother Earth are worshipped here. In Jwalon ke naam hai Ma Chandi, Ma Hinglaj, Ma Vindhavasini, Ma Kali. माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ अंजना देवी और माँ अंबिका द मेन फ्लेम बर्निंग इन सिल्वर आयल इज़ ऑफ महाकाली द गिवर ऑफ भक्ति एंड मुक्ति ये पूर्ण ज्योति भी कहलाती हैं नेक्स्ट फ्लेम इज़ ऑफ महामाया अन्नपूर्णा फ्लेम विच फीड्स द डिवोटीज On the other side is the flame of Goddess Chandi, who is the destroyer of enemies. The flame destroying all our sorrows is Hingalaj Bhavani. The fifth flame is Vindhyavasini, which rids us of all our sadness. The flame of Mahalakshmi is the bestower of wealth and prosperity and is situated in Jyotikund. द बेस्ट ऑर ऑफ़ नॉलेज माँ सरस्वती इज ऑल्सो इन दिस कुंड गोडे संबिका इज द बेस्ट और ऑफ चिल्ड्रन माँ अंजना जो हमें दीर्घायु और प्रसन्नता का वरदान देती हैं साथियों मैं अब आपको ज्वाला माई मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताती हूँ मुगल एम्पर अकबर बिल टे कैनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेम्पल शायद वो इन ज्वालाओं को बुझाना चाहते थे फिरोज़ तुगलक ट्राई टू डिस्ट्रॉय द टेम्पल ड्यूरिंग हिज एक्सप्रीशन टू नगर कोट मंदिर परिसर में अन्य छोटे मंदिर भी हैं और एक गोरखनाथ डिब्बी है कहा जाता है कि गोरखनाथ जी भी आए थे यहाँ और उसमें एक वाटर टैंक है जिसमें पानी उबलता दिखता है मगर वह ठंडा है ये रुद्रकुंड भी कहलाता है यहाँ एक चतुर्भुज मंदिर भी है लोग अपने पूजा स्थानों के लिए मंदिरों के लिए यहाँ से ज्योति ले जाते हैं और बच्चों का मुंडन भी करते हैं लोग यहाँ यहाँ माँ धूमावती रूप में भी पूजी जाती हैं देयर आर अबाउट हंड्रेड स्टेयर्स फ्रॉम द बैक ऑफ द गेट ऑफ ज्वाला देवी श्राइन दैट टेक्स टू द होली प्लेस ऑफ माँ तारा देवी और माँ के अनेक रंग हैं कभी पीला ज्योति दिखता है कभी नीली ज्योति दिखती है धौलागढ़ पहाड़ के विषय में वैज्ञानिकों की खोज काफ़ी समय से चलती रही है अंग्रेजों के समय में भी और अभी तक चल रही है यहाँ का मुख्य आकर्षण पांच आरतियाँ होती हैं जिसमें शयन आरती विशेष है इसमें माँ की सेज पर सुंदर वस्त्र और गहने रखे जाते हैं और आरती पहले मंदिर में होती है फिर सेज पे होती है जिसमें शंकराचार्य जी द्वारा रचित सौंदर्य लहरी के श्लोक गाए जाते हैं साल में दो बार नवरात्रों के समय यहाँ चहल पहल बढ़ जाती है और बहुत ही सुंदर त्यौहार का वातावरण होता है दो बार नवरात्रों में मेला लगता है यहाँ यहाँ माँ के परम भक्त ध्यानो जी की निश्चल भक्ति की कहानी भी प्रसिद्ध है और जिस पर फिल्में भी बनी हुई हैं उसे मैं दोहराती नहीं पर साथियों ये भक्त और भगवान के संबंध की कहानियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं पर सार ये है कि इन शक्तिपीठों के इन मंदिरों के दर्शन हम निश्चल भक्ति से करें एक बालक की तरह आत्मा की खिड़की दरवाजे बंद हैं और हम कहते हैं कि धूप नहीं दे रहा सूर्य सोचिए कहाँ गलती हो रही है डियर व्यूअर्स If you are liking my yatra then please like, share, comment and subscribe this channel. Thanks for watching this video and this yatra. Thank you.